लहसुन और मिर्च को जब एक साथ इस तरीके से कूचते हैं पीसते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मन करता है चूल्हे पे बनी हुई मोटी रोटी मिल जाए बस तो यहाँ पे हमने थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च ले लिए दोनों को साथ में इस तरीके से इमाम दस्ते की मदद से कूच लेना है मोटा मोटा सा आप देख सकते हैं दर्ज़रा इसको रख देते हैं साइड में यहाँ पर दो मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले ली है इसके पीसेस कुछ इस तरीके से मोटे मोटे से काट लेने हैं साथ में एक बड़े साइज़ का प्याज लिया आधा प्याज फाइनली चॉप कर लेना और आधा प्याज का हमने इस तरीके से पीसेस निकाल लिए हैं सारी कटिंग हो चुकी है इसको रख देते दे हैं साइड में और सब्ज़ी को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए हमने इस्तेमाल करा है थोड़ा सा दही तो से तीन टेबल स्पून थोड़ा खट्टा दही होगा तो ज़्यादा ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं इस्तेमाल करना है और दही को हमेशा फेट के इस्तेमाल करना है इसको रख देते दे, हैं साइड में अब यहाँ पे जब हम सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे तो पैन में हमने डाला है थोड़ा सा तेल इसके अंदर जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च प्याज दोनों चीज़ों को कवर करके नहीं पकाना है बिना कवर करे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सौते करेंगे पाँच से छः मिनट के लिए दोनों चीज़ें बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ऊपर से आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा आपके ऊपर इस सब्जी के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कलर सा दिख रहा है हल्का गुलाबी सा रंग आ जाता है प्याज के ऊपर और शिमला मिर्च कुछ इस तरीके की, की दिखने लग गई है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कच्चापन भी नहीं है और एकदम से मुलायम भी नहीं लगती है तो ऐसे भून सी गई हैं इसको निकाल लेते हैं बोल में अब वापस से पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल एक टेबल स्पून के करीब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा सरसों के दाने दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोनों चीज़ें भुन जाएंगी तो इसके अंदर जो हमने लहसुन हरी मिर्च को पीस के रखा था वो डाल देते हैं और दोनों चीज़ों को हमें भून लेना है यहाँ पे एकदम लाल नहीं करना है बस हल्का सा भुन जाए साथ ही में डाल देंगे फिर प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काट के रखा था और प्याज को अच्छे से भूनेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसको भी बस थोड़ा सा इसमें रंग आ जाए हल्का सा गुलाबी सा इसमें नमक डाल देंगे कश्मी कसूरी मेथी डालेंगे इसकी वजह से शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत ही इन्हैंस हो जाता है बहुत ही अच्छा आता है तो कसूरी मेथी जरूर डालेंगे इसके अंदर अब आप पे देख सकते हैं ये मिक्सचर रेडी हो चुका है तो इसमें हल्दी डाल देंगे यहाँ पे हमने धनिया का इस्तेमाल करा है रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च या फिर पेपरिका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि तीखा नहीं करेगा सब्जी को रंग बहुत ही अच्छा आ जाएगा जैसे लाल लाल रेस्टोरेंट में होता है वैसा अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे सिर्फ थर्टी सेकेंड्स के लिए साथ में हम डाल देंगे एक टमाटर का पेस्ट बना के हमने रख लिया था टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ही फिर खट्टी सब्जी लगेगी तो एक टमाटर का पेस्ट इसमें हमने ऐड कर दिया है सारी चीज़ों का अब टमाटर का ध्यान रखना है कि हमें टमाटर को अच्छे से भून लेना है एकदम ही कच्चापन ना रहे नहीं तो फिर सब्जी में टमाटर का कच्चापन पता चलेगा तो इसको आप मसाले को अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले का रंग बहुत ही बढ़िया दिख रहा है अच्छे से भून चुका है तेल बहुत ज़्यादा नहीं तो अलग से नहीं दिख रहा है साथ ही में आप डाल देंगे इसके अंदर हम फिटा हुआ दही अब दही डालने के बाद में अच्छे से इसे भून लेंगे दही का भी जो पानी होगा ना वो एकदम से जल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका रंग बहुत ही बढ़िया दिख रहा है इस टाइम पे तो ये भूनने के बाद में कोई इस तरह की ग्रेवी आपको मिल जाएगी अब इसमें डाल देंगे एकदम लास्ट में शिमला मिर्च और प्याज़ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको कवर करके हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ी का रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी हमने मेन इग्रीडियंट इसमें ऐड नहीं करा है तो यहाँ पे क्या डालना है हमें एक पापड़ लिज्जत पापड़ जो मार्केट में आता है तो तवे पे या फिर आंच पे इसको गर्म कर सकते हैं अच्छे से भून लेना है बेसिकली इसको हमें अच्छी तरीके से एक पापड़ इस्तेमाल करेंगे जितनी हमने क्वांटिटी सब्जी के लिए उसके हिसाब से एक पापड़ पापड़ आप पहले से भून के रख लीजिए अभी तो वीडियो में दिखा रहे हैं लेकिन जब सब्ज़ी बनाए तो पहले ही पापड़ भून लें और अच्छे से इसे कुरकुरा कर लेंगे और एकदम छोटा छोटा सा इसको पीसेज में तोड़ लेंगे एकदम चूरा बना लेंगे इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं अब एंड में सब्ज़ी में हमें डाल देना है इस पापड़ को आप देख सकते हैं कितना महीन हमने इसको कर लिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे पहले हमने सब्जी को कवर करके नहीं पकाया है अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमने पानी भी इस्तेमाल नहीं करा है इस सब्ज़ी के अंदर बस दो मिनट के लिए आपको कवर कर देना है दो मिनट के बाद में पापड़ एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे लगेगा भी नहीं कि अलग से पापड़ डालें और टेस्ट भी किसी को पता नहीं चलेगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ऊपर से गार्निश करेंगे धनिया के साथ में इसको सर्व करेंगे पराठे के साथ में जो कि खाने बहुत टेस्टी लगती है बहुत ही कम मसाले के साथ में तेल के साथ में आप इसे बना सकते हैं और अगर आपको ये सब्ज़ी पसंद आई हो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल का नाम है पॉजिटिक खाना मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी के साथ में तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग